अंबाला के छोटे से गांव जोली से सोनिया। Myself सोनिया, आई बिलोंग टू विलेज जोली फ्रॉम अंबाला। हर तरफ घूमने के बाद वेस्टर्न ओवरसीज को ही पाया अपनी कसौटी पर खड़ा। मुझे वेस्टर्न ओवरसीज का एडवर्टाइजमेंट से और बैनर से पता चला था। मैंने बहुत से कंसल्टेंसी से कंसल्ट किया था अपने प्रोफाइल के बारे में, बट मुझे सबसे अच्छी गाइडेंस वेस्टर्न ओवरसीज से मिली है। उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिलाया कि मुझे अपना वीज़ा ज़रूर मिलेगा और जिस कॉलेज में मैं चाहती हूँ उसी में मिलेगा। विदेश पहुँचाने के साथ साथ और भी मदद करता है वेस्टर्न ओवरसीज। एक भी दिन इन्होंने ऐसा नहीं किया कि इन्होंने मेरी फ़ोन कॉल मिस की हो। जब भी मैंने इनको फ़ोन किया है तो इन्होंने मेरी कॉल पिकअप भी की और मुझे हर मेरे डाउट को क्लियर भी किया है। तो दिस इज़ द बेस्ट गाइड कंसल्टेंसी। मैं कनाडा में हम्बर कॉलेज में जा रही हूँ, जो कि कनाडा का बेस्ट कॉलेज में से एक कॉलेज है। उसकी जो ग्रेड्स हैं बहुत अच्छे होते हैं और वहाँ जॉब मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती हम्बर कॉलेज स्टडी करने के बाद। और जो वहाँ का मेरा कोर्स है वो है वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन, बिकॉज वो मेरी स्टडीज़ से मैच करता है और मैं अपनी फर्दर स्टडीज़ कंप्यूटर्स में करना चाहती हूँ बिकॉज आई लाइक द टेक्निकल वर्क। हम्बर कॉलेज ईजिली वीज़ा ऑफर लेटर नहीं देता सबको, बट मुझे उसने 1 month में ऑफ़र लेटर दिया है, जबकि वो ईजिली प्रोवाइड नहीं करता, 2-3 months लेता ही लेता है, बट आई एम लक्की टू गेट इट दिस इन 1 month। उसके बाद मैंने अपना वीज़ा अप्लाई किया था जुलाई के एंड में और मुझे अगस्त के एंड तक मुझे अपना वीज़ा मिल गया। और ये मेरा पासपोर्ट है जिस पे कनाडा का वीज़ा लगा हुआ है और आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस। मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि वो अपने आप पर भरोसा रखें। अगर उनको कॉन्फिडेंस है तो वो वेस्टर्न ओवरसीज पे आएं, उनको कॉन्फिडेंस और इंक्रीज होएगा और वो आपको अच्छी गाइडेंस देंगे ताकि आप अच्छे से प्लेस पे जा सकें और वहाँ जाके सेटल हो सकें। वेस्टर्न ओवरसीज विशेस ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर इन कनाडा।